फ्रेंड्स, मैं हूँ दक्ष और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ग्लोइंग कार्ड। तो ये है मेरा ग्लोइंग कार्ड का बेस। इसमें मैंने कार्ड चिपका रखी है, पेस्ट कर रखी है। ज़रूरी नहीं है कि कार ही लगाओ, लेकिन मैंने कार लगाई है। और इसका सर्किट है पीछे, ये रहा सर्किट। यहाँ पे पूरा जा रहा है वायर्स, जिस पर मैं ऐसे ही लगाऊंगा। अभी सर्किट के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैं सारे कॉम्पोनेंट्स दिखाता हूँ। इसमें है हमारा वायर और ये है LEDs जो वायर से कनेक्टेड है। ये भी है, दो LEDs है, क्योंकि दो हेडलाइट है। और ये है हमारा बैटरी सेल 3 वोल्ट का। ये है हमारा लिथियम बैटरी सेल, इधर लिखा हुआ है लिथियम बैटरी सेल, हाँ। और ये है हमारा फॉइल स्विच और ये है LED जिससे मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों तो आपको पता ही होंगे। तो एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप LED को यूज़ कर रहे हो, तो LED का जो लंबा वायर होता है उसको हर बार पॉजिटिव से कनेक्ट करना, क्योंकि अगर आप इसे नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये नहीं जलेगी। ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है। यहाँ पर इसमें प्लस का साइन लिखा है, मतलब पॉजिटिव है। आपको इससे कनेक्ट करना है। देखो, मैंने इससे कनेक्ट की और दूसरा नेगेटिव से जल गई। और अगर मैं इसे उल्टा कनेक्ट करूं तो नहीं जल रही है। ऐसा होता है, इसमें भी होएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले इन्हें इसमें लगा देता हूं। ये सर्किट ये जल लगेगी और ये लग गई। अब दूसरे वाले को भी लगा देते हैं। लग गई। इसमें मैंने ये रेड वायर पॉजिटिव के लिए यूज़ किया है। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो हमारी लग गई, इसे जब भी बाद में लगाएंगे, बैटरी यहाँ पे लगेगी। तो हम अभी इसे टेप से जोड़ देते हैं। ये इधर पहले मैं इसे ऐसे, अरे ये निकल गया। देखो, इसमें मैंने थोड़ा काट रखा है, ये लंबा है और ये छोटा, और ये थोड़ा उससे छोटा है। देखो, तो मैंने रेड पॉजिटिव किया, लंबे पे ये लग जाएगा। और ये मेरा दूसरा वाला ब्राउन लग गया। तो अब हम जॉइन करते हैं। देखो निकलता है, पहले जॉइन कर लेता हूँ, बाद में लगाऊंगा। ये वापस से निकल गया, इसे भी जोड़ देते हैं एक और बार। हाँ, अभी हमारा जुड़ चुका है। तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। पहले तो ये नेगेटिव वाले भी नेगेटिव से जुड़ जाते हैं। और ये जुड़ गया। अब ये हमारे दोनों नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ गया और पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ गया। तो ये निकल जाती रहता है, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये वापस से निकल गया है, पता नहीं कितना निकलता है। अरे यार, हाँ, तो अब इसे बाद में जोड़ देंगे, वरना निकलता रहेगा। पहले पूरा कंप्लीट करते हैं। अभी हमारे जुड़ चुके हैं दोनों। अब हम स्विच को जोड़ते हैं। पहले तो हम ये वायर जोड़ देते हैं इससे, क्योंकि ये तो पूरा जाएगा बैटरी से। तो ये भी इससे जुड़ जाएगा अभी। ये ऐसे ही जुड़ रहा है, चलो ऐसे ट्राई करते हैं। और ये जुड़ गया। इसे टेप लगा देता हूँ मैं, ये इधर से टेप। अरे टेप लगा दिया। और तो ये हमारा नेगेटिव वाला रेडी है इससे कनेक्ट होने के लिए। अब पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं इसका स्विच। तो ये है, अरे
स्विच का दूसरा पार्ट क्या है? स्विच का स्विच के पार्ट इनमें से ये वाला पार्ट मैं बैटरी पे कनेक्ट करूँगा और ये लगेगा हमारा ऊपर की साइड। तो पहले इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे से। तो ये कनेक्ट हो रहा है और ये स्विच हमारा कनेक्ट हो गया यहाँ से। अब ये स्विच जाएगा हमारा बाहर की साइड और ये वाला लगेगा यहाँ पे बैटरी से अंदर। तो हमारा इतना हो गया काम, बैटरी यहाँ पे प्लेस रहेगी, ये नेगेटिव लगा रहेगा इससे, ऐसे लगाया। अब देखो कैसे काम, अभी वो बाद में करते हैं। तो हमारा स्विच हो गया है, ये इधर लगेगा, इसको हम बाहर ले चलते हैं। हाँ, तो मेरी गलती को मैंने सॉल्व कर लिया, ये मैंने इस स्विच को यहाँ दूसरा होल बना के कर लिया। तो ये हमारा स्विच भी रेडी हो गया है। अब मैं इनमें टेप लगा देता हूँ। तो एक तो जॉइंट पे टेप, टेप प्लीज, टेप टेप। चलो मेरे लिए टेप आ गया दूसरे। तो पहले तो मैं इस जॉइंट को कर देता हूँ, पहले स्विच को करते हैं क्योंकि स्विच बार बार निकलेगा, निकल रहा है। तो ये स्विच हो गया टेप, अब ये स्विच यहीं पे लगा रहे। अब इसे भी टेप कर लेते हैं हम जॉइंट को, ये टेप जॉइंट पे आ गया। और ये जॉइंट पे भी टेप हो चुका है। तो हमारा पूरा टेप हो गया है, सर्किट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसको एक तो बैटरी से जॉइंट करना बाकी है, तो इसके लिए भी मैं थोड़ा टेप निकाल लेता हूँ। अब मैं बैटरी को छोड़ते हैं, पहले हम इस ये जो निकलता रहता है उसे लगाते हैं। टेप लग जाएगा अभी। तो ये है, पहले इसे लगा लेते हैं अच्छे से। लॉन्ग लेग ऑन द रेड वन और लग गया, देखिए लग चुका है। अब हमारा इस पर टेप लगा देते हैं, तो टेप भी लग गया। अभी ऐसे दूसरे पे भी लगा देते हैं जिससे कि दूसरा भी ना निकले। मेरा भी टेप है। और ये लग चुका है। तो हमारी एलईडी भी सब तैयार है और यहाँ पे स्विच भी लग चुका है। तो अब हम इसको इस बैटरी को लगाते हैं, पॉजिटिव इससे लगा रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव को भी टेप ही कर देता हूँ मैं जिससे कि लगा। तो हम मैं भी इसको इससे ही टेप कर रहा हूँ। पहले नेगेटिव लगा दूँ, ये इधर लगेगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो टेप हो गया, नेगेटिव आ गया। अच्छा शायद से पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव हो गया। अब चलो नेगेटिव को करते हैं, नेगेटिव के लिए टेप ही कर देते हैं इसे, ये इधर लगाएगा और ये टेप हो गया। अब मैं पूरा इस बैटरी को टेप कर देता हूँ, पेपर टेप लिया। हाँ, तो अब हम इसे पूरी बैटरी को ओवरऑल टेप कर देते हैं और ये हो गई। तो हमारा रेडी हो चुका है, देखो। हाँ देखिए, अब ये ऐसे दबाया जल गई और ये हमारा रेडी हो गया हमारा ग्लोइंग कार्ड। अब मैं इस पे इसका स्विच ग्लू कर, स्विच अभी बाद में करूँगा। और ये हमारा बन गया है ग्लोइंग कार्ड।
So I hope you friends liked the video. Please don't forget to subscribe. And मैं भी एक और रोबो कार का भेज रहा हूँ वीडियो. एक रोबो कार बनाऊंगा मैं उसमें, तो उसको भी प्लीज वॉच करना. एंड बाय.